जो मसाइल है उनके हाल में स्क्रीन में बताने वाली हूँ कि उनका दिल खुश हो जाएगा और वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट बहुत तेजी से मिलेगा। और ये आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पे है कि मैम हमें कोई ऐसी क्रीम बताएं कि हमारी शादी है नजदीक, हमारा चेहरा बिल्कुल साफ हो जाए, हमारा रंग साफ हो जाए, छाइयां जो बहुत डीट किस्म की है वो खत्म हो जाए, दाग धब्बे खत्म हो जाए, ब्राउन पिल है वो खत्म हो जाए मध्यम होके। तो अगर आपने इसी तरीके से इसको इस्तेमाल किया और बाद में आपने अपनी स्किन की किस तरह से केयर करनी है और इस रिजल्ट को फॉरएवर किस तरह से रखना है वो भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपका रिजल्ट फॉरएवर रहने वाले हैं। ठीक हो गया, जैसे हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं स्किन के किसी मसले के मुतालिक, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो वो भी हमें बहुत महंगी महंगी क्रीमें लिख के देते हैं, कभी हमें सूट कर जाती हैं, कभी नहीं कहते, स्किन पर कोई एलर्जी हो जाती है, बट इस क्रीम के इस्तेमाल से इंशाल्लाह ताला आपको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी स्किन पर ऑलरेडी कोई इन्फेक्शन है, कोई एलर्जी है, खारिश है, स्किन सुरख हो जाती है, बहुत हद से ज्यादा सेंसिटिव है, तो आप इसको इस्तेमाल मत कीजिए, पहले अपनी स्किन को ठीक करिए उसके बाद इसको इस्तेमाल कीजिए। ठीक हो गया, अब जल्दी से हम अज्जा की तरफ आते हैं ताकि जिनका जिस तरह का भी मसला है स्किन के मुतालिक वो इस क्रीम से इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। अब आपने क्या करना है जी, ताजा दूध लेना है 2 खाने के चम्मच, ताजा दूध गाय का ले ले, भैंस का ले ले, बहुत ज्यादा मजबूरी की हालत में आप मिल्क पैक इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि ताजा दूध ज्यादा आपको फायदा देगा, आप वो 2 खाने के चम्मच ले लीजिए। एहतियात से ध्यान से सुनिएगा, और ग्लिसरीन भी आपने 2 खाने के चम्मच लेने, जिंक ऑक्साइड क्रीम आपने 1 खाने का चम्मच लेना है, कैस्ट्रोल भी 1 खाने का चम्मच लेना है आपने, और हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशन जो है वो आपने 1 चाय का चम्मच लेना, 1 चाय का चम्मच। एलोवेरा जेल जो है आपको फ्रेश मिल जाए तो टॉप बेस्ट है, आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। इनके साथ आपके पास नहीं है तो आप मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है, किसी अच्छी कंपनी की ले लीजिए, 1 कप छोटा चाय वाला जो होता है वो। अब विटामिन ई के कैप्सूल आपको मेडिकल स्टोर से एवियन के नाम से मिल जाएंगे, 5 अदद वो ले लीजिए, आपके आसानी के लिए मैंने लिख भी दिया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। तमाम चीजें आपने जब ले ली हैं तो किसी कांच का बाउल लीजिए, उसमें 1 बाय 1 चीजों को एक एक करके ऐड करिए और मिक्स करते जाए इतनी अच्छी तरह से कि आपको पूरा यकीन हो जाए कि ये चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं, ये बहुत जरूरी है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो ये क्रीम की शक्ल में आ जाएगा। ठीक हो गया, इसको अब आप किसी जार में, बोतल में, डब्बे में महफूज करके फ्रिज में रख लीजिए, और दिन के टाइम 2-3 घंटे लगाइए और रात सारी लगे रहने दीजिए, जिस तरह से हम बाकी क्रीम्स लगाते हैं, लगा के इसको जजब कर लीजिए स्किन में और सो जाइए। आप इसे गर्दन पे इस्तेमाल करें, बाजुओं पे इस्तेमाल करें, हाथों पांव पे इस्तेमाल करें, आपके हाथ पांव भी चमक जाएंगे। तो इसी हिसाब से अगर आपको ज्यादा बनानी है कि आप इसे अपने हाथों पांव पे, बाजुओं पे, गर्दन पे भी इस्तेमाल करेंगे, तो आप क्या करिए कि इन चीजों को डबल कर लीजिए। इस हिसाब से सबको पता होगा कि अगर हम 2 कप लेंगे एलोवेरा जेल के तो हम बाकी चीजों का भी 1-1 चम्मच बढ़ा देंगे। ठीक हो गया जी, तो इसके साथ कोशिश करिए कि आप 1 अदद मल्टीविटामिन जो है वो खा लिया करें रात को, उससे और ज्यादा रिजल्ट मिल जाएगा, अदरवाइज कोई टेंशन की बात नहीं है। ये बहुत ही इंतहाई कारामद नुस्खा है, इससे बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिल जाएगा, चेहरे के दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे, एक्ने के निशान है वो खत्म हो जाएंगे, आपकी छाइयां जितनी पुरानी है खत्म हो जाएंगी, ब्राउन पिल खत्म हो जाएंगे, दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे। तो इसको आपने 15 दिन इस्तेमाल किया ना 2 टाइम, तो इंशाल्लाह ताला आपका चेहरा आप खुद देखेंगे इतना पुरकशिश और साफ सुथरा हो जाएगा। अब आ जाते हैं कि हमें हमारा रिजल्ट जो है वो 15 से 20 दिन के अंदर लाजमी और इंशाल्लाह लाजमी मिल जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि स्क्रीन को छोड़ दीजिए। क्या मैं इसलिए रही हूँ क्योंकि आपकी स्किन को मैं आदि नहीं करना चाहती, क्योंकि लालच हमेशा से बुरी बला रहा है कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप कहेंगे 5 दिन और कर लेती हूँ, ये चीज अच्छी नहीं है। ये आपको इसलिए बताया गया है कि आप जो इतनी ज्यादा वरीड रहते हैं अपनी स्किन को लेकर, बहुत ज्यादा कमेंट्स थे कि मैम आपको पता होगा, आप कुछ ऐसा बता दीजिए, कुछ केमिकल्स की क्रीम बता दीजिए, लेकिन ये फिर भी आपको बहुत एहतियात के साथ बताया गया और कम मिकदार में ये 1-2 केमिकल्स हमने इस्तेमाल किया और ये आपकी स्किन के लिए
बहुत ज्यादा नुकसानदेह नहीं है, आपने इससे परेशानी होना, मैं मोह हाइड्रोजन परऑक्साइड से तो स्किन जल जाएगी, ऐसा नहीं है भाई, ये सोप्स में भी इस्तेमाल होती है, क्रीम्स में भी इस्तेमाल होता है, तो आपने परेशान नहीं होना, जितनी मिकदार में हमें ये चाहिए था हमने उतनी में इसको ऐड किया है, और जो बाकी चीजें हमने ऐड की है उससे हमारी स्किन को ये नुकसान पहुंचने नहीं दे, ठीक हो गया। अब इस पे मैं आपको जितने भी बताती जाऊंगी, आपने जाहिर सी बात है जब तक आप मुतमईन नहीं होंगे आप इसको इस्तेमाल नहीं करें, आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाजमी इस्तेमाल करिए, क्योंकि मैंने शेयर आप लोगों के साथ किया, क्योंकि जिस तरह से मुझे अपनी स्किन की केयर है इसी तरह से आप लोगों की भी केयर है, ठीक हो गया जी। ये तो हो गई हमारी क्रीम। अब 15-20 दिन में रिजल्ट मिल जाने के बाद आप इसको छोड़ दीजिए, ये मेरा मशवरा है आप लोगों को कि स्किन को हाथी मत कीजिए, और उसके बाद आप कोई अच्छी ब्रांडेड क्रीम जो है उसमें बहुत सस्ती भी मिलती है, महंगी क्रीम भी मिलती है, जैसे कि आप पॉन्ड्स क्रीम ले लीजिए, 200 तक आ जाएगी, आप उसको इसको जब छोड़े तो उसको सुबह और शाम लगाना शुरू कर दीजिए, ऑले क्रीम है आप उसको इस्तेमाल शुरू कर दीजिए, या अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो आप सिंपल तिब्बत क्रीम जो है वो जरा भी महंगी नहीं है आप वो लगाना शुरू करते हैं सुबह और शाम, फेरन लव भी आप लगाती हैं लड़कियां ज्यादातर वही इस्तेमाल करती हैं, आप उसका इस्तेमाल जारी कर दे, कोई टेंशन की बात नहीं है, बाकी आप हल्का फुल्का हफ्ते में एक दो बार, ज्यादा नहीं एक दो बार उपटन का इस्तेमाल कर लीजिए, क्रीम लगा लीजिए, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, स्किन की केयर के लिए सब करना पड़ता है, अगर आप केयर साथ साथ करते रहें तो आपकी स्किन पर दोबारा से कोई भी मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। साथ में अपनी डाइट का ख्याल रखिए, दूध लाजमी पीजिए, तो अगर दूध पीने से आपको किसी किस्म की कोई मेरी तरह एलर्जी है तो आप फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं, जूस पी सकती हैं, फ्रेश जूस जो है वो बहुत बेहतरीन होता है स्किन के लिए, सब आप लोगों को पता होगा, सब्जियों का इस्तेमाल करिए, तो आप केयर करेंगे जब ही है। अगर देखे ना, हम कोई कपड़े धोने के बाद उसको साफ करके जब पहनते हैं तो अगर हम उसको पहनते जाएं डेली और उनको धोए नहीं तो आखिरकार 10 नहीं 12 नहीं 15 20 दो हफ्ते दो महीने बाद उसने मैला होना शुरू हो ही जाना है, अगर हम उसके साथ के साथ केयर करते रहेंगे तो फिर वो मैला नहीं होगा, वो खराब नहीं होगा, ठीक हो गया। इसी तरह से ये पता नहीं हम मसाला कुछ समझ में आप लोग की आती है कि नहीं, लेकिन बहरहाल मैंने आप लोगों के समझाने के लिए दी है कि आप लोग स्किन की केयर करेंगे आपको रिजल्ट इससे मिलेगा तो उसके बाद उसकी केयर कीजिए ताकि ये खराब नहीं हो, आपकी स्किन पर दोबारा से चाइयां दाग धब्बे नहीं बने, खुद को साफ सुथरा रखिए, स्किन की केयर कीजिए, कोई ज्यादा महंगी नहीं किसी सस्ती क्रीम का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए जो नुकसानदेह नहीं हो, अगर देखे आपको ये इन क्रीम्स में से कोई नहीं इस्तेमाल करना चाहते जो मैंने आपको बाद में बताई है तो अब मैं आपको एक और सीक्रेट बताती हूँ कि आप होमियो की एक्ने क्योर क्रीम ले लीजिए, येलो डिब्बे में होगी, 50-60 रुपए में आपको मिलेगी, आप उसको सुबह शाम लगाना शुरू कर दीजिए बिना किसी टेंशन के, क्योंकि उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, वो हर्बल है और उससे आपकी स्किन को कोई मसला नहीं है, ये उन गर्ल्स के लिए जो 15-16-17 साल की है उनको कोई नुकसान नहीं होगा, उनके चेहरे पर अगर एक्ने वगैरह है तो ये उनके लिए बेस्ट है, एक्ने के निशान है उनके लिए बेस्ट है, रंग गोरा करने के लिए बेहतरीन है, स्किन पर किसी किस्म को कोई एलर्जी है तो उसके लिए जबरदस्त है, अगर आपकी स्किन पर सुरख दाने बन गए हैं तो उनके लिए भी बहुत जबरदस्त है, उसको मैं अलग से वीडियो भी इंशाल्लाह कल या परसों तक लाइव वीडियो बनाऊंगी, उसमें भी आपको दिखा दूंगी उस क्रीम को ताकि आपको आसानी से उसका इस्तेमाल भी बता दूंगी, ये सब आप लोगों के लिए ही है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो छोटी एज की लड़कियां बेचारी मुझे कमेंट्स करती हैं तो मैंने कभी भी उन्हें जोश में आके ये नहीं कहा कि आप लोग यही कर लें, क्योंकि मैं बिल्कुल अपनी जान छुड़ाने के लिए आपकी स्किन नहीं खराब कर सकती कि हाँ आप कर लें कोई मसला नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, जो आप नहीं इस्तेमाल आपको करनी चाहिए वो आपको नहीं करना चाहिए, आप अपनी एज को देखिए अपनी स्किन को देखिए कि वो कितनी सेंसिटिव है, अभी से आप इन चक्रों में पड़ गई तो फिर आगे तो माशाल्लाह से आपकी सारी जिंदगी पड़ी है, तो बातें आज की वीडियो में बहुत सारी हो गई हैं, बहुत सारा टाइम आप लोगों के लिए लिया, तो मकसद सिर्फ यही है कि जो मैं आपको कहना चाहती हूँ वो आपकी समझ में आ जाए। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे,
तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच